फैंस जो कि अपने फेवरेट के पॉप आइडल्स को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं एंड उनकी इतनी ज्यादा चिंता करते हैं, सोचो उन फैंस को जब पता चलता होगा कि उनके फेवरेट के पॉप आइडल की डेथ हो गई है तो उन्हें कैसा लगता होगा। एंड कुछ ऐसे ही मोमेंट एंड सिचुएशन को के पॉप फैंस कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही मोमेंट को फैंस ने तब फील करा था जब एस्ट्रो के मेंबर मुनमिन की डेथ हो गई थी। जब हमारे मुनमिन की डेथ हुई थी तब वो सिर्फ और सिर्फ 25 ईयर के थे और ऐसे कम एज में उनकी ऐसी डेथ देखने के बाद फैंस बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। जो के पॉप फैंस मुनमिन के फैंस नहीं थे वो फैंस भी मुनमिन की डेथ की वजह से इमोशनल हो गए थे। अभी फैंस मुनमिन के डेथ से ठीक से उभरे ही नहीं थे तभी उन्हें फिर से अचानक से एक दिल दहला देने वाली न्यूज सामने आ गई। जब फैंस को पता चला कि कोरियन एक्ट्रेस पार्क सोरियन की डेथ हो गई है, पार्क सोरियन जिन्होंने स्नो ड्रॉप में ब्लैकपिंक की मेंबर जीसो के साथ काम की थी, और जब इनकी डेथ हुई तब इनकी एज सिर्फ और सिर्फ 29 ईयर की थी। फैंस इन सारी चीजों के बारे में भूलने की कोशिश कर रहे थे तभी अचानक से साउथ कोरिया से एक और दिल दहलाने वाली न्यूज सामने आ गई, और वो ये है कि साउथ कोरिया के एक और केपॉप आइडल जिनका नाम चोए सांग वोंग है उनकी डेथ हो गई है। चोए सांग वोंग जो कि साउथ कोरिया के एक फेमस आइडल होने के साथ साथ एक कंट्रोवर्शियल सिंगर भी थे जिनकी एज अभी 33 ईयर ही थी। रिपोर्ट्स की बात करें तो 21 जून यानी कि आज के दिन पुलिस को चोए सांग के बारे में एक न्यूज मिली थी, और जब पुलिस इनके सियोल के अपार्टमेंट में पहुंची तब वहां पे पुलिस ने देखा कि चोए सांग वोंग की डेड बॉडी पड़ी हुई है। रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि चोए सांग वोंग ने खुदकुशी यानी कि सुसाइड की है, और चोए सांग वोंग ऐसा कुछ करने वाले हैं ये बात उन्होंने अपने फैंस को कुछ टाइम पहले ही अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू फैंस को बता दिए थे। हालांकि पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है कि आखिर चोए सांग वोंग की डेथ कैसे हुई थी और उनकी डेथ की असली रीजन क्या है। वैसे चोए सांग वोंग अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, बट जब आप उनके स्ट्रगलर्स लाइफ के बारे में जानोगे तब आपको उनके लिए बहुत ही दुख होगा। चोए सांग वोंग जो कि एक अनाथ पर्सन थे बट फिर भी उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा, वह एक सिंगर बनना चाहते थे और वह एक सिंगर बने भी। लोगों ने इन्हें फर्स्ट टाइम 2021 में कोरिया गो टैलेंट के मंच पे देखा, जहाँ पे उन्होंने अपने लाइफ के जर्नी से और अपने सिंगिंग से सारे लोगों को इम्प्रेस कर दिए थे। चोए सांग वोंग जो कि अपने सक्सेस को अच्छी तरीके से जिए भी नहीं थे तभी उन्होंने फैंस एंड पब्लिक को बताया कि उन्हें कैंसर हुआ है, उन्हें डोनेशन की जरूरत है, उन्हें डोनेशन चाहिए। चोए सांग वोंग के बारे में ये बात सुनने के बाद फैंस एंड पब्लिक ने उन्हें भर भर के डोनेशन दिए, बट कुछ टाइम बाद ही फैंस को पता चला कि चोए सांग वोंग झूठ बोल रहे थे, और इसी वजह से चोए सांग वोंग काफी समय तक कंट्रोवर्सी में फंसे रहे। इन सारी चीजों को सुनने के बाद अब हमें ये पता चला कि चोए सांग वोंग अब हमारे बीच में नहीं रहे। चोए सांग वोंग जिनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी अनफेलियर सक्सेस देखे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे क्या आप चोए सांग वोंग के बारे में पहले से जानते थे या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड जाने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे। तो मिलती हूं मैं आप सबसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।